नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा साउथ अफ्रीका अंडर 19 एंड इंडिया अंडर 19 बी की। अंडर 19 ओडीआई चल रही है दोनों के बीच में, उसकी टीम बात करूंगा। इंडिया अंडर 19 बी ने पहला मैच अफगानिस्तान को बड़े आराम से हरा दिया दोस्तों। एंड मात्र 106 रन पे ऑल आउट कर दिया अफगानिस्तान 90 को, और 107 रन मात्र 3 मिनट खोकर आराम चीज कर लिया। और साउथ अफ्रीका 19 इंडिया 19 के द्वारा हार करा रही है, मात्र 94 रन पर ऑल आउट हो गई थी और इंडिया ने बड़े आराम से चीज भी कर लिया। दोनों की टीम दे दूंगा, और सबसे पहले दोनों प्ले 11 और दोनों का परफॉर्मेंस क्या रहा टीम प्लेयर के बारे में दूंगा। सबसे पहले मैं इस वीडियो में बात ड्रीम 11 एंड प्लेयर्स पर दोनों की टीम दूंगा दोस्तों, दोनों की टीम दूंगा। चलिए बात करें दोनों की प्ले 11 क्या हो सकती है। तो दोस्तों मैंने दोनों की प्ले 11 बनाई है, यहाँ आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से बनाई है, पिछला में क्या परफॉर्मेंस रहा आप देख सकते हैं। तो नीतीश रेड्डी ओपनिंग किए थे लेकिन 0 पे आउट हो गए थे, ये ओपनिंग कर सकते हैं। तिलक वर्मा 44 रन पारी खेली थी, काफ़ी सुंदर पारी खेली थी। एंड प्रदोष रंजन मात्र 2 रन पर आउट हो गए थे। एंड राहुल चंद्रन जो अपने टीम के कैप्टन और विकेट कीपिंग भी कर रहे, 56 रन मारे थे और मात्र 3 विकेट ही गिरे थे, अब बाकी आराम से अब बाकी 5 लगे, यहाँ तक किसी को बैटिंग ही नहीं आ पाए दोस्तों। काफ़ी 94 रन था ही मारे थे साउथ अफ्रीका अंडर 19 की टीम ने, 94 पर ऑल आउट हो गई थी। सॉरी, ये इंडिया अफगानिस्तान की 101 रन पर ऑल आउट हो गई थी। तो इसकी परफॉर्मेंस है, मात्र 3 विकेट गिरे थे, बाकी लोग 5 से लेकर 11 तक इसे बैटिंग ही नहीं आ पाए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं प्रगनेस ने बैटिंग किया था, 0 रन मारे थे। एंड शिवम शर्मा बॉलिंग किए थे, 10 ओवर बॉलिंग किए थे, 2 मैटें दिए थे, 20 रन दिए थे, 0 विकेट निकाले। एंड पूर्णांक त्यागी 9 ओवर 1 मैटें 36 रन 4 विकेट निकाले दोस्तों, 4 विकेट निकाले। पिछले मैच ने त्यागी कारण में मैच विन किया था दोस्तों। एंड आप सुशांत मिश्रा देख सकते हैं, 8 रन 3 मैडन 3 मैडन दिए थे, 16 रन 1 विकेट निकाले। एंड अथर्वा को लेकर ने 7 ओवर 3 बॉल में 0 मैडन 18 रन 2 विकेट निकाले। एंड प्रयास बर्मन ने 10 ओवर में 4 मैडन 10 रन दिए, मात्र 3 विकेट निकाले। काफ़ी अच्छे आई इनका समीर जी, पता नहीं क्यों निकला है, नहीं वो बॉलिंग दिया गया, नहीं बैटिंग आए, पता नहीं क्यों खिलाया गया था। तो दोस्तों बेंच में वरुण लवांडे जो बैट्समैन है, और आर एस शेट्टी जो बैट्समैन है, और करण लाला बैट्समैन है, जो तीन है जो खराब परफॉर्म किए, इनको बदले इनको खिलाया जा सकता है दोस्तों। ये सब मैच थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए आप कम इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, ओनली कम, क्योंकि प्ले 11 आने के चांस काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों। फिर मैं कोशिश करूँगा, तो वरुण लावांडे, आर एस शेट्टी या करण लाल खेल सकते हैं, कि नीतीश रेड्डी के बदले, प्रदोष रंजन के बदले, प्रगनेश का खेल सकते हैं दोस्तों, लेकिन काफ़ी कम चांस है। मुझे लगता है इंडिया 19 भी अपने प्ले में विनिंग प्ले में शायद जाना चाहिए, तो ही हो सकता है दोस्तों। फिर भी अगर चेंज करना चाहिए प्लेयर को, खिला रहे स्क्वाड में रखिए तो खिलाना चाहिए, कि भी देखना चाहिए परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है, इसलिए बोल रहे हैं इन्वेस्ट कम कीजिए दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका अंडर 19 11 की टीम। तो आप यहाँ देख सकते हैं बोंगा मखाखा 6 रन ओपनिंग करेंगे, 6 रन दिए थे, बाद ऑल आउट हो गई थी दोस्तों, मात्र 94 रन पर ऑल आउट रही थी इंडिया अंडर 19 ए की टीम ने, मात्र 94 रन पर ऑल आउट कर दिए दोस्तों। काफ़ी परफॉर्मेंस बैटिंग में काफ़ी ख़राब रहा, तो उससे आप एक काम कीजिएगा, बॉलर ही ज़्यादा लीजिएगा इंडिया की ओर से, इंडिया अंडर 19, क्योंकि पता है इनके इनके बैट्समैन इतना अच्छे नहीं है, बॉलर विकेट जरूर लेंगे, वो पॉइंट जरूर मिलेंगे दोस्तों। ये थोड़ा आपको टिप्स दे रहा हूँ, जोनाथन बट अपनी किए थे 9 रन मारे थे सिर्फ, ब्रैश पर्सन 3 ओवर बैटिंग करने थे, 7 रन मारे थे और 10 ओवर में 31 रन 1 विकेट भी निकाले थे। ये भी अच्छे कभी अच्छे अपने कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के लिए आपके, मैथ्यू मॉन्टगोमेरी जो 10 रन मारे थे, अपने टीम के कैप्टन है, कैप्टनसी करे हैं। एंड मोकागेन जो 5 रन मारे थे, 3 ओवर भी बॉलिंग किए थे, 26 रन दिए थे, 1 विकेट निकाले थे। एंड लुक ब्यूफोर्ट भी जो विकेट कीपर है, एंड सिर्फ 2 रन मारे थे दोस्तों। एंड नोलेला यखा 5 रन मारे थे,
10 रन ओवर किए थे, एक मेडन 37 रन 2 विकेट निकाले। एंड मार्को जेंसन ने 33 रन मार, काफ़ी शानदार नोटा रन की पारी खेली और 7 रन सात ओवर में 30 रन 4 विकेट निकाले दोस्तों। क्लोटी ने 0 रन मारा, 0 आउट हो गया और 4 ओवर बॉलिंग किया, 37 रन दिया, 1 विकेट निकाला। एंड मोलिफी ने 2 रन मारा सिर्फ, ओनली 10 रन 10 ओवर में 52 रन 0 विकेट निकाला। एंड नतानजी ने 1 रन मारा, 6 ओवर बॉलिंग किया, 1 मेडन 37 रन 1 विकेट। ये परफॉर्मेंस रहा दोस्तों, आप प्ले इलेवन मेरे ख्याल से ही होने चाहिए। अगर चीज़ कर सकती, यही बेंच में यही बैट्समैन है, खुमालो बैट्समैन है एंड रिवान टर्मनासी बैट्समैन है। अगर चेंज करना चाहिए बैट्समैन, कोई बैट्समैन जैसे मखाका को हटाया जाता है एंड कहाँ के और जोनाथन बॉट को हटाया जाता है, इन दोनों को लाया जा सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है। इसलिए मैं आपको सेफ प्लेयर ले दूँगा प्ले इलेवन में जो मैं टीम में आया हूँ। एंड आप बॉलर में सिया प्लेटजी एंड जेरेड जर्डिन है, ये दो बॉलर हैं सर जर्डिन, तो ये बॉलर भी कुछ चेंज हो सकते जो चेंज नहीं किए हैं, जो अच्छे परफॉर्म नहीं किए चेंज हो सकते दोस्तों। मेरे ख्याल से ये होने चाहिए प्ले इलेवन। चलिए बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन, चलिए प्ले स्पॉट टीम की। दोस्तों जिन भाइयों ने प्ले स्पॉट खेलना स्टार्ट नहीं किया है दोस्तों, खेल ज़्यादा काफ़ी अच्छा ऐप है दोस्तों, यकीन मानिए। क्यों ऐप है, क्यों बोल रहा, खेलने के लिए सबसे लीडिंग वेबसाइट बन रही है खेल फैंटेसी क्रिकेट में। और यहाँ एक और बात सबसे बड़ी, आप कोई भी ऐप नहीं है, कोई भी इसका और कोई दूसरा ऐप नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है जो आपको 100% बोनस यूजबल करने देता है, और वो भी कोई भी लीग में, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, कोई भी लीग में 100% बोनस यूज करने देता है, ऐसे कोई भी लीग नहीं है। आप बोनस है कोई भी लीग ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बात, आपको 100 रुपीज़ फ्री में भी खेलने दे रहा है, कैसे देगा, अगर आप इसका रेफरल कोड यूज़ करके आप इन्हें रजिस्टर कीजिएगा तो वो सबसे पहले 30 रुपीज़ मिलेगा, मोबाइल और ईमेल आईडी भी वेरीफाई रहेगा, और जैसे आप फर्स्ट डिपोजिट कीजिए वैसे 70 रुपये मिलेगा। वो टोटल आपको 100 रुपीज़ फ्री में दे रहा है, 100 रुपये फ्री में दे रहा है, 100% यूजबल ये बोनस, तो कभी अच्छा ऐप है। आप बेटिया में विदिन 5 सेकंड अंदर आपको विड्रॉ मिल जाता है दोस्तों। चलिए विनिंग कभी अच्छी होती है क्योंकि कंपनी काफ़ी लो भी है। मैंने आपके लिए टीम बनाई है दोस्तों, आप देख सकते हैं, विकेट में मैंने राहुल को लिया है, आप चाहे लुक को ले सकते हैं, राहुल मेरा भी नाम है दोस्तों। ऑलराउंडर बात करें, ऑलराउंडर मैंने जो तीनों बैटिंग करने आएंगे बॉलिंग भी कर रहे हैं, अच्छा आप देख चुके हैं। मार्को जेंसन ने काफ़ी अच्छा बैटिंग किया, 7 पे आ गए और बॉलिंग भी निकाले, परंतु आगे ने विकेट से 4 विकेट निकाला, तो इनको लिया है दोस्तों। बाकी सिर्फ सेफ प्लेयर दे रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ सेफ प्लेयर, बाकी आप मेरे जो प्लेयर नाम दिए आप वो उसी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं बॉलर में लिया हूँ नतानजू को लिया हूँ, निर्ला यखा को लिया हूँ एंड प्रयास वर्मा जो काफ़ी अच्छे बॉलिंग किए एंड सुशांत मिश्रा को लिया है दोस्तों। आपका ऑप्शन में शिवम शर्मा है, इनको ले सकते हैं, एम मोलिफी है, आप सेफ ऑप्शन से बता रहे हैं दोस्तों, सिर्फ सेफ ऑप्शन बता रहा हूँ। बैटिंग मैंने लिया जोनाथन बट को लिया है, जोनाथन बट थोड़े क्या हो सकते हैं रिस्की हो सकते हैं, इनको ड्रॉप किया जा सकता है। अगर आप सेफ जाना चाहते हैं, बिल्कुल सेफ जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इंडिया प्लेयर को ले लीजिए, इंडियन प्लेयर जो कन्फर्म खेलेंगे। आप कान प्लेयर को जो 0 पर वन 0 रन मारे थे, आप प्रदर्श कुमार पॉल को भी ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ मैं पॉल के साथ जा रहा हूँ। आप जोनाथन बट नहीं रिस्की हो सकते, आप लेना चाहें ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। बाकी और कोई सेफ ऑप्शन नहीं है दोस्तों, मैंने यही टीम बनाई है, जोनाथन बट को लेना चाहें ले सकते हैं। कैप्टन मेरे रहेंगे राहुल के लिए है एंड वाइस कैप्टन मैंने बनाऊँगा ब्रायस पार्सन को बना रहा हूँ, जो बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट देंगे। आप मार्को जेंसन को मैंने जो बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट दिए थे दोस्तों, इनको बना सकते हैं। त्यागी को बना सकते हैं जिन्हें बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट दिया था, आप चाहे ऐसे ही कर सकते हैं, जिनको चाहे उनको बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी बना रहा हूँ पुनः त्यागी को वाइस कैप्टन बनाऊंगा दोस्तों। ये टीम होगी दोस्तों, चलिए बात करें ड्रीम इलेवन टीम की दोस्तों। तो विकेट में मैंने डिविल में चंद्रन को ही लूँगा, बैटिंग में मैं लूँगा मॉन्टगोमेरी एंड फिर रंजन एंड यहाँ से लूँगा तिलक वर्मा के साथ जाऊँगा दोस्तों। आप ऑलराउंडर में लूँगा पीपर्सन एंड जॉनसन एंड त्यागी को लूँगा दोस्तों, सेम जो डिम प्लेस में लिया है। बॉलिंग में सिम लूँगा मैं नुतानजी, बर्मन
मिश्रा एंड एन ए अखा कर लूँगा दोस्तों, सेम जो मैंने ड्रीम प्ले स्टोर में लिया दोस्तों सेम, क्योंकि सिर्फ सेफ प्लेयर आपको देना चाह रहा हूँ दोस्तों, कोई रिस्क नहीं लेना चाहूँ। कैप्टन मैं बना रहा हूँ, यहाँ से मैं बना चाहता हूँ, यहाँ से बना तो कैप्टन में त्यागी को, वाइस कैप्टन में बना तो जेनसन को बनाता हूँ। ऑप्शन में आप चंद्रन है एंड आप हैं पार्सन है बना सकते हैं, लेकिन इनको बना रहा हूँ। तो ये टीम है दोस्तों, आप देख सकते हैं चंद्रन को लिया, मॉन्टगोमरी को लिया, पॉल को लिया, वर्मा को लिया, जेनसन एंड पार्सन, त्यागी, नतानजी, लिखा, बर्मन एंड मिश्रा को लिया। चलिए दोस्तों प्लेसवर्ड में भी मैंने कैप्टन बनाया था हूँ, त्यागी को बनाया था हूँ। लड़का कैप्टन मैंने गलत चीज़ किया, कैप्टन कहाँ गया, त्यागी होनी चाहिए, त्यागी होने में बनाया कैप्टन बनाया त्यागी को दोस्तों। मैं प्लेसवर्ड में कैप्टन बनाया था त्यागी को, वाइस कैप्टन बनाया था हूँ जॉनसन को। तो यही टीम रहेगी दोस्तों, दोस्तों एक बार ट्राई की जरूर कीजिए दोस्तों, प्लेस पर खेलने काफ़ी अच्छा भी, यहाँ विनिंग ज़्यादा हाई होती है पब्लिक बोर्ड में, खासकर पब्लिक बोर्ड में, क्योंकि यहाँ का कंपटीशन काफ़ी लो है दोस्तों, खेलना चाहिए खेल सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ ज्वाइन सकते हैं और मैं रेफरल कोड यूज करके बोनस ले सकते हैं। मेरा ऐसे रेफरल कोड है COOL1776, ये मेरा रेफरल कोड है, रेफरल कोड यूज़ कीजिए तभी आपको 100 रुपीज़ फ्री में मिलेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट लक लक की।